Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Ranch Simulator. बड़े टाइम बाद याद आई है मुझे इस गेम की. बढ़िया, आज के सॉल वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा फार्म, जिस फार्म के अंदर मैं सारे एनिमल्स ला के रखने वाला हूँ जिनसे मेरी कमाई होगी. लाइक काउ को लाएंगे मिल्क बेचने के लिए, पिक को लाएंगे मीट बेचने के लिए, और हॉर्स को ले आएंगे ऐसे टाइम पास करने के लिए. और साथ से गेम में और भी काफी सारे एनिमल्स आए हैं लाइक गोट, और गेम में चल के पता चलेंगे बाकी. गुड मॉर्निंग गाइस. ओके गाइस, तो अभी फिलहाल नेक्स्ट डे हो चुका है और लास्ट डे मैं हॉर्स तो लेकर आ गया था, बट यहाँ पर जितना भी फालतू का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था वो सारा मैंने लाकर यहाँ पर रख दिया. ये बड़े बड़े लॉग्स, ये दोनों वुड कट करने वाली मशीन, बट आज इन सब का ना बहुत ज्यादा यूज होने वाला है क्योंकि मेरे को ढेर सारी लकड़ियां काट के उनसे प्लैंक्स बनाने हैं ये वाले, और ये सारे प्लैंक्स यूज होने वाले हैं अपने फार्म में. वो देखो, जो मैं फार्म बनाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बताया था, मैं पिग्स वगैरह को बाहर कर दूंगा और भी काफी सारे एनिमल्स लेकर मैं आऊंगा, उन सबको मैं रखूंगा यहाँ पर. और उस फार्म को बनाने के लिए ना मैं बस क्या करूंगा, यहाँ से पूरी बाउंड्री राउंड में ऐसे घुमा कर लेकर जाऊंगा, और ये वाली जो साइड है इस बार्न हाउस के, यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट कर दूंगा, और ये वाला जो दरवाजा है इसको ऐसे ऊपर, अरे बाहर आ जाएंगे लोग, उनको भी बंद रखता हूँ. ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की मैं थीम इसमें देने वाला हूँ. तो फिर फटाफट से अपनी बुक निकालता हूँ और उसका जो ब्लू प्रिंट है उसको ड्रॉ करते हैं. तो फार्म के लिए मेरे को चाहिए होंगे फेंसेस, और मेरे पास यहाँ पर फेंस के नाम पे है. ओके, तो ये है वुड फेंस और ये है वुड फेंस गेट. तो गेट तो अभी नहीं चाहिए, पहले सिंपल एक फेंस चाहिए मेरे को, जिसको मुझे कुछ रोटेट करके इधर से लगाते हुए जाना है. बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई गैप ना हो जाए कि कोई एनिमल यहाँ से बाहर निकल जाए. पहले दो को ऐसे मारते हैं वर्टिकली. तो मैं इसकी थोड़ी सी राउंड शेप करने वाला हूँ, तो पहले एक पीस को यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करते हैं. अब इसको एकदम मेरे को स्ट्रेट लेकर जाना है आगे तक. बस शेप देख लेता हूँ, एकदम ठीक तो है वैसे. ठीक है, फिर इसको थोड़ा बहुत आगे तक लेकर चलते हैं. और यहाँ पर जमीन थोड़ी सी ऊंची हो गई है और ये अब कनेक्ट नहीं हो पा रहा. वेट, मेरे को इसे रोटेट करके लाना होगा, या फिर एक सेकेंड, मैं इसको कुछ ऐसे करके लगा सकता हूँ. अभी भी कोई एनिमल यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा. थोड़ी सी शेप अजीब हो गई है, बट ठीक है यार, हमें तो एनिमल को ही पालना है दिन. तो यहाँ पर इसको पूरा लेकर चलते हैं, और इधर मेरे को लगाना है गेट. एक सेकेंड यार, नीचे ना लकड़ी पड़ी हुई है, इस लकड़ी को मुझे हटाना होगा. यहाँ पर इसे चॉप कर देता हूँ. ये लॉक को उठा के रखते हैं साइड में, इस वाले को भी उठा के रखता हूँ साइड में. बहुत सारी लकड़ियां यहाँ पर पड़ी हुई है, इससे प्लैंक बन जाएंगे अपने. चलो, तो यहाँ पर भी फेंस लगा दिया है, समझ लो एक साइड मैंने कंप्लीट कर दिया है अपने इस फार्म की. अब बनाना है दूसरी वाली साइड को, बट उससे पहले मैं बीच में ना एक गेट लगा देता हूँ यहाँ पर. ये सेंटर साइड है ना, तो यहाँ पर एक गेट इस तरीके से लग जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट वेट. पर यार एक सेकेंड, मेरे को इस एरिया को बंद करने के लिए ना यहाँ पर एक फेंस और लगाना होगा, जो कि गंदा दिखेगा. यहाँ पर ना फटाफट से एक फेंस और लगाता हूँ, और अब इसके बीच में मैं लगा देता हूँ गेट, ताकि किसी भी एनिमल को मेरे को अगर लेकर आना है तो उसकी डायरेक्ट एंट्री यहाँ से हो जाए, और फिर वो इस फार्म के अंदर आ जाएगा. अब जो आगे का एरिया है उसे मुझे कंटिन्यू करना है कुछ ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके, बट ये हो नहीं रहा. ऐसे कैसे नहीं होगा, इसको साइड से जाके करेंगे. बिल्कुल जैसे शेप मैंने उस तरफ दी है, कुछ उस टाइप की शेप मुझे इस साइड में भी देनी है. तो यहाँ पर भी ये लगाते हैं, और अब इसको एकदम स्ट्रेट लेकर चलते हैं. ऑलराइट, तो समझ लो हमने अपने इस पूरे के पूरे फार्म को कंप्लीट कर दिया है. थोड़ा बहुत रह गया है, इसको थोड़े से चेंजेस करके अटैच करना होगा. गाइस, इसकी शेप ना शायद से मैं थोड़ी बहुत और अच्छी बना सकता हूँ, इसलिए मैं इसे एकदम वापस पूरा तोड़ रहा हूँ. भले ही थोड़ा छोटा बने, बट यार शेप वाइज एकदम परफेक्ट होगा तो ज्यादा प्यारा लगेगा. तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रीबिल्ड करने वाला हूँ, और इस बारी मैं शेप का एकदम ध्यान रखूंगा. ये एकदम स्ट्रेट होगा तो शायद से मैच करेगा थीम से. ओके, तो इसकी शेप ना मैं कुछ ऐसे करने वाला हूँ, यहाँ से पहले एकदम पतला होगा, फिर आगे से एकदम वाइड हो जाएगा. अब सेम टू सेम इस साइड पे भी करता हूँ, तो पहले कुछ इस टाइप से स्ट्रेट, फिर उसके बाद यहाँ से वाइड. बिल्कुल सही, अब इसको एकदम आगे तक सीधा लेकर चलते हैं, फिर आगे ले आगे जोड़ देंगे. तो शेप अभी कुछ ऐसी सी आ रही है. अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस साइड पे दोबारा से इसे अटैच कर रहा हूँ. अब इसको एकदम पास पास लेकर चलते हैं, और उधर से ले आगे क्लोज कर देंगे. चलो गाइस, ठीक है, तो अभी हमने फार्म को ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है. बस इसे ले जा करना, उधर से जोड़ देना है कुछ टाइप से. यहाँ पर बस एक गेट आना है और अपना काम हो जाएगा. तो एक यहाँ पर लगाते हैं, दूसरे पीस को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे. परफेक्ट, अब इसके बीच में लगाना है एक गेट. तो गेट मैं ढूंढ लेता हूँ ये वाला. अब ये दोनों में एकदम अटैच हो जाए तो बढ़िया रहेगा. यहाँ पर ये लगा दिया है मैंने. अब मेरे को ना ये वाला तोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए दोबारा से फेंस लेना है, और इसको एकदम इससे जोड़ के चिपकाना है. कुछ इस टाइप से इसे लगा देता हूँ, और अब इस वाले को भी तोड़ के इससे अटैच कर देता हूँ. यस, तो अभी अटैच हो गया, और ये अभी दोनों से आके एकदम जुड़ गया. थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गेट है, बट थोड़ी नेचुरल फील आ रही है. अब मेरे को क्या करना है ना, यहाँ पर बस प्लैंक्स ला के लगाने हैं, ताकि जो फेंस है, अभी तो बस ये ब्लूप्रिंट है,
अब जितनी लकड़ियां मैं इसमें लगाऊंगा वैसे वैसे कंप्लीट होता जाएगा, और इस पूरे ओपन एरिया में मैं ढेर सारे पिक्स ला ला के भर दूंगा। वेट, अचानक से मौसम ही चेंज हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर उनके फीडर रहेंगे फूड के और वाटर के। फिलहाल अभी मेरे को यहाँ पर ना एक फेंस को कंप्लीट करने के लिए 4 प्लैंक्स लाकर लगाने हैं। बहुत सारे प्लैंक मेरे पास पड़े हुए हैं, बहुत सारी लकड़ियां मैं बना सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ हार्डवेयर स्टोर चलते हैं, वहां से बने बनाए प्लैंक्स खरीद के लाऊंगा। अपने पास अभी पैसा ढेर सारा है। फिलहाल यहाँ पर थोड़े बहुत प्लैंक्स पड़े थे, जल्दी से एक बार इनको लगा के देखता हूँ कि कैसी लुक आएगी। तो यहाँ पर एक ये ब्लू प्रिंट है, इस पे मैंने लगा देता हूँ 4 प्लैंक्स, और ये देखो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और मैं इस पे मैनुअली पेंट भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसे येलो करना चाहूँ तो येलो कर दूंगा, बट मेरे को ना यही वाली थीम थोड़ी अच्छी लग रही है, इस टाइप का ही मतलब लग रहा है। हाँ, लकड़ी का ही होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर पिक्स के साथ साथ ना मैं काऊ वगैरह को भी रख सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे को ना डिवाइडर करना होगा, मतलब एक डिवाइडर बनाना होगा जिससे कि काऊ और पिग एक दूसरे के पास ना जा पाए। फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं हार्डवेयर स्टोर पे और ढेर सारे प्लैंक्स लेकर आते हैं। बट एक सेकंड यार, मेरे पास जो ट्रेलर और गाड़ी थी ना वो वहीं पर रह गई है जनरल स्टोर पे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने घोड़ा खरीदा था तो हम लोग उसी से घर पे वापस आ गए थे। ठीक है यार, फिर पहले चलते हैं जनरल स्टोर पे, वहां से अपनी गाड़ी उठाएंगे, फिर चलेंगे हार्डवेयर स्टोर पे प्लैंक खरीदने के लिए। लेट्स गो गाइस। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ जनरल स्टोर पे, जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने अपनी ये रेंज रोवर छोड़ दी थी। खैर ठीक है, इस गाड़ी को यहीं पर खड़े कर देते हैं, इसको कभी बाद में आके ले जाएंगे। फिलहाल अभी जल्दी से बैठते हैं इसमें और इसको लेकर चलते हैं जनरल स्टोर पे। बट वेट, इससे मेरे को ये तो जोड़ लूं पहले ट्रेलर, इसके अंदर भी ऐसे ट्रेलर में ज्यादा जगह नहीं बची है अभी, तो इसको अपने साथ में अटैच कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पर ना बकेट पड़ी हुई है, इस बकेट को लेकर चलते हैं, एग वगैरह जो बेचने होंगे मैं इसे लेकर आ जाऊंगा, इसको साइड में रखवा देता हूँ। बाकी ढेर सारे प्लैंक्स खरीदने हैं, अब शायद से वो इतने स्पेस में आ तो जाने चाहिए। बाकी ठीक है, अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं हार्डवेयर स्टोर पे। ऑलराइट, तो ये मैं पहुंच चुका हूँ हार्डवेयर स्टोर पे। थोड़े बहुत प्लैंक्स मेरे पहले के भी खरीदे हुए यहाँ पर पड़े होंगे यार। बाकी ये ट्रेलर अटैच करने के बाद ना इस गाड़ी के कंट्रोल्स थोड़े से हैवी हो जाते हैं भाई सही में। बाकी ये ट्रेलर अंदर जा पाएगा? यस, जाएगा जाएगा, आराम से जाएगा भाई, इतनी भी खराब ड्राइविंग नहीं है मेरी। ठीक है, यहाँ पर इसको खड़े कर देते हैं और ये जितने भी प्लैंक्स हैं ये सारे के सारे उठा कर ना पहले मैं लोड करवा देता हूँ, ताकि मेरे को एक्स्ट्रा ना बाय करने पड़े। वैसे यार ऐसी कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्लैंक्स है बाद में कभी ना कभी तो काम आते ही हैं। चलो ठीक है यार, ये तो अपने पुराने खरीदे हुए थे, अभी फटाफट से मैं एक्स्ट्रा प्लैंक्स यहाँ से बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वैसे एक मतलब $32 के 8 आते हैं, तो मेरे को उसको बनाने के लिए कम से कम 800 तो चाहिए। नहीं 800 नहीं, एक काम करता हूँ मैं 36 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, बहुत सारे हो जाएंगे ये, और इतनी तो शायद से मेरे ट्रेलर में भी जगह नहीं होगी इसको रखने की। लेट्स गो। तो मैंने सारे के सारे परचेस कर लिए और ये शायद थोड़े ज्यादा ही हो गए। ठीक है, मैं इसको अगर ज्यादा होंगे तो बेच दूंगा, फिलहाल अभी रखना शुरू करते हैं। थोड़ा तमीज में गैप बना बना के रखना होगा और थोड़ा बहुत स्पेस में मेंटेन कर लेता हूँ, इन डब्बों को ना एक के ऊपर एक रख देता हूँ, जितना स्पेस रहेगा उतनी ज्यादा चीजें मैं लेकर जा पाऊंगा ना एक ही बार में। ठीक है गाइस, तो भी मैंने काफी अच्छा खासा स्पेस बना दिया इन प्लैंक्स को रखने के लिए, अब एक एक करके कहीं पर भी मैं रख सकता हूँ, बहुत सारी जगह है। चलो भाई ठीक है, सारे के सारे प्लैंक्स मैंने यहाँ पर रखवा दिए हैं, फटाफट से बैठते हैं गाड़ी में। और वेट, इधर 4-5 प्लैंक्स रह गए, चलो छोड़ो इसे बाद में आकर ले जाएंगे। फिलहाल अभी जल्दी से गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी की लाइट्स में जला लेता हूँ, अभी फटाफट से मुझे निकलना होगा अपने रेंच के लिए। भैया रात हो गई और यहाँ पर ना भैया बिल्कुल रोड लाइट वगैरह है नहीं, एकदम अंधेरा हो चुका है, और उस टाइम पर मेरी जो कार की लाइट है ना, मुझे इसमें ही घर तक पहुँचना होगा। भाई कुछ भी नहीं नजर आ रहा भाई, ऐसा लग रहा है खतरनाक घने जंगलों में मैं गाड़ी लेके घूम रहा हूँ। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत ज्यादा खतरनाक हॉरर गेम खेल रहा हूँ, फुल जंगलों में गाड़ी चल रही है, सामने फुल मून दिख रहा है भाई, एकदम अलग ही हॉरर माहौल हो रखा है। फिलहाल मेरा रेंच में आ गया हूँ ना, देखने में लग तो नहीं रहा। ओके ओके, अभी थोड़ा बहुत नजर आया। ठीक है, फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गए हैं अपने रेंच पे। फटाफट से ना एक काम करता हूँ, गाड़ी को अभी यहीं पर खड़े करता हूँ, पहले जल्दी से चलते सोने भाई, एकदम ही अलग अंधेरा हो रहा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। सुबह उठ के जितनी भी फेंस वाली बाउंड्री है उसको कंप्लीट करेंगे, पर अभी भैया सोने के अलावा कोई काम नहीं है। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है, अभी फटाफट से बैठते हैं गाड़ी में और बस मेरे को इस गाड़ी को ना वहां तक लेकर जाना है सामने, वहीं पर बीच में से खड़ी कर दूंगा। प्लैंक्स उठा उठा के बस मेरे को पूरे में लगाने हैं बस। बाकी हाँ, मैं ना ये बकेट जो लेकर आया हूँ ना, जितने भी अंडे दे रखे हैं ना मुर्गी ने, वो सारे के सारे इसमें इकट्ठे करूंगा और सबको बेच के आऊंगा, देखते हैं कितने के बिकेंगे। फिलहाल अभी पहले ये वाला काम कंप्लीट करते हैं। एक सेकंड यार, गाड़ी की लाइट बंद करो। पता चला भाई साहब पड़े पड़े बैटरी खत्म हो जाए गाड़ी की और फिर और लेने के देने। बाकी ठीक है, अभी बस फटाफट से मेरे को यहाँ पर प्लैंक्स लगाने हैं और इस पूरी की पूरी बाउंड्री को कंप्लीट करना है। बट हाँ यार, जो भी है पूरी की पूरी बाउंड्री कंप्लीट हो चुकी है, अब अगर यहाँ पर किसी को लाना है तो वो है बहुत सारे पिग्स। तो एक काम करता हूँ, जितने पिग अंदर है पहले तो उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं, तुम बाहर आ सकते हो गाइस, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये दरवाजा बस बंद है ना, यहाँ से कोई निकल ना जाए, इतना कम स्पेस है, शायद चिड़िया तो खैर यहाँ पर आने ही नहीं वाली ना। बाकी अपने पास जितने भी पिक्स हैं वो सारे हम यहाँ पर एकदम आजादी में चैन की सांस ले सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं,
सूरज देख सकते हैं और यहीं पर अपना खा पी के सो भी सकते हैं। और सबसे मस्त चीज, अपना हॉर्स भी यहीं पर रहेगा। तू खा पी रहे ना भाई? भाई मेरे को उसका फूड तो ठीक दिख रहा है फिलहाल, बट यार जो भी है ये कुछ ज्यादा ही फास्ट चलता है, मतलब इसका चलना मेरे लिए भागने के बराबर है। बाकी गाइस जो छोटे वाले पिग्स थे वो भी धीरे धीरे बड़े हो चुके हैं काफी ज्यादा। अरे वो पागल है क्या? ये अलग ही कार्टून है, कहीं भी आके चिपके जा रहा है। और ये देखो भाई, इसने गंद भी मचा रखा है यहाँ पर थोड़ा बहुत, तो इसको साफ कर देते हैं। चलो ठीक है, शायद से मामला फुल सॉर्ट है। अपने पास एक बड़ा फार्म हो चुका है। अब इस फार्म के लिए ना मेरे को जितने एनिमल्स नए नए आए हैं वो सारे के सारे लेकर आने हैं। तो इस गाड़ी को तो पहले मैं काम करता हूँ, दरवाजा खोल के। अरे निकल जाएगी ना ये गाड़ी, देखने में लग नहीं रहा है मेरे को। ट्राई करते हैं भाई, रास्ता थोड़ा सा पतला हो गया, शायद से मेरे को ना एक फेंस अभी तोड़ना पड़ सकता है, बट ट्राई करता हूँ शायद से आ जाए। तो प्लीज कोई आगे बताओ यार। नहीं, गाड़ी तो आ गई बट ये ट्रेलर अंदर ही रह गया, तो मुझे एक फेंस तोड़ना होगा। ओके, मैंने भी ना एकदम अच्छे से भी ट्राई कर लिया है बट ये नहीं हो रहा। तो एक काम करता हूँ, इस तरफ से चलता हूँ। पहले तो दरवाजा बंद करो, ये जितने भी पिग है ना ये बाहर ना निकल जाए, वो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो इस दरवाजे को मैं भी तोड़ देता हूँ, इन दोनों को। यहाँ से मेरे को प्लैंक मिल जाएंगे वापसी। यार ये पिग बाहर चले जाएंगे, इनको मैं मारूंगा। खैर ठीक है, गाड़ी को मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया है और अभी मेरे को यहाँ पर फटाफट से ना ब्लू प्रिंट लगाना होगा फेंस का वापस से। यहाँ से प्लैंक उठा के पहले यहाँ पर रख देता हूँ और अभी ब्लू प्रिंट लगाते हैं जल्दी से, कुछ इस टाइप से। एक यहाँ पे, फिर दूसरा वाला आएगा यहाँ पे, परफेक्ट। अब यहाँ से प्लैंक उठा के वापस उसमें लगाने हैं। वो तो भाई साहब, ये तो होड़ से बाहर आ जाता। वैसे इसको मैं इजीली अंदर ले जा सकता हूँ इसके ऊपर बैठ के। और इधर आ तू छोटू, तेरे को ज्यादा अक्ल है ना, इधर आ, निकल यहाँ से। किससे पूछ के आ रहा है? सब भाग गए अंदर, सारे भाग गए भाई। ये गोली मुझे पहले चला देनी चाहिए थी, पर नहीं, क्या पता फिर सारे इधर को भाग जाते तो शायद ज्यादा दिक्कत हो जाती। बट ठीक है, यहाँ पर अभी बहुत सारे मेरे पास प्लैंक्स वगैरह इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं, ट्रक में बैठते हैं और सीधा जाऊंगा मैं जनरल स्टोर पे, और जितने नए नए एनिमल्स आए हैं, बफेलो, काऊ वगैरह, सबको लेकर आते हैं अपने फार्म में। और हाँ, जाने से पहले मेरा प्लान ये था कि जो मैं बकेट लेकर आया हूँ उस बकेट के अंदर ढेर सारे एग इकट्ठा कर लेते हैं जो भी मुर्गियों ने दे रखे हैं। तो ये रही अपनी बकेट, ये पूरी की पूरी खाली है। देखते हैं कि आखिरकार कितने एग्स यहाँ पर मुर्गियों ने दे रखे हैं और वो कितने के बिकने वाले हैं। वैसे हमें को ना बहुत ढूंढना पड़ेगा, देख रहे हो इन्होंने कहीं पर भी रेंडमली कहीं पर भी दे रखे हैं। देखो यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर पड़ा है, तो मेरे को ऐसे छान छान के ढूंढने पड़ेंगे भाई। बट मुझे इतना तो पता है कि ये 500,000 से तो ज्यादा ही है भाई, क्योंकि मैं कहीं पर भी देखता हूँ ना इधर उधर रेंडमली, तो मुझे एक ना एक तो नजर आ ही जाता है। फिलहाल एक बार पहले इसके अंदर चलता हूँ, ये बंद कर देता हूँ। यहाँ पर भी थे यार, शायद 3-4 तो थे, पता नहीं यार, पड़े तो थे बट अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ पे चले गए। अबे यार 11 बज रहे हैं, अचानक से बारिश वाला मौसम हो गया और अब अंधेरा हो जाएगा, बारिश होने लग जाएगी भाई, गलत ही सीन है। फिलहाल हाँ, ये अपना बड़ा सा हैन हाउस है, इसके अंदर तो भैया एंडलेस है भाई, एंडलेस। मैं इकट्ठे करते करते थक जाऊंगा बट ये खत्म नहीं होने वाले। वेट, ये बकेट ही पूरी की पूरी भर चुकी है, एक में सिर्फ और सिर्फ 40 आ सकते हैं, तो ये 40 पूरे के पूरे भर गए हैं। ठीक है, जो बाकी के वो मैं बाद में इकट्ठे करूंगा, फिलहाल अभी जल्दी से अपना ट्रक लेते हैं, क्योंकि ट्रक ही एक ऐसा व्हीकल है जिसके अंदर मैं एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को लेकर आ सकता हूँ। तो ट्रक की जो डिक्की है इसे खोलते हैं, इसके अंदर बकेट को रखते हैं, इसको ले जाके बेचेंगे और एनिमल्स खरीद के लाएंगे। लेट्स गो, मैं ट्रक में आ चुका हूँ, ट्रक को आराम से यहाँ से निकालते हैं। वैसे सबसे ज्यादा अच्छा कंट्रोल भी भाई मेरे को इस गेम में ट्रक का ही लगता है, और एक अपनी जो व्हाइट वाली कार है बिना ट्रेलर के जब चलती है उसका। लेट्स गो गाइस, फिर फटाफट से हम लोग निकलते हैं जनरल स्टोर के लिए। लेट्स गो गाइस, तो ये मैं पहुंच चुका हूँ जनरल स्टोर पे और मेरे हिसाब से गोट वगैरह यहाँ पर आ चुकी है। देखते हैं भाई, जो जो नए नए एनिमल्स है भाई सारे कलेक्ट करूंगा। ठीक है, दरवाजा करते हैं ओपन और यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या नया आ चुका है। तो देखो, मेरे को पता था गोट मेल फीमेल, मेरे को दोनों ही लेने पड़ेंगे ताकि इनके फिर बच्चे भी हों और मेरे को नए ना खरीदने पड़े। पिक तो मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे हैं, मुर्गियां भी ढेर सारी हैं, और काओ में अगर देखा जाए तो मेरे पास एक डेयरी काओ है, बट ये डेयरी बुल बीफ काओ और ये बीफ बुल नहीं है। तो मैं इन तीनों को भी एक बार में मैं चार ही एनिमल ले जा सकता हूँ, तो मैं सारे नहीं परचेस करूंगा। पहले एक काम करते हैं, गोट को लेके चलते हैं। ठीक है, मैं चार गोट परचेस कर लेता हूँ, उसके बाद एक राउंड और लगाएंगे, उसमें काओ को ले जाएंगे। तो मैंने चारों को कार्ट में ऐड कर दिया और ये बहुत ज्यादा महंगी है, बट ठीक है, इन्हें परचेस कर लेते हैं। चारों को मैंने परचेस कर लिया और फटाफट से चल के मुझे इन्हें ट्रक में बैठाना है, और खाना इनके लिए अलग से तो नहीं लेना पड़ता, चेक कर लेता हूँ। एक ये क्या है, मिल्किंग मशीन, ये मिल्किंग मशीन भी लेनी होगी क्योंकि काओ से जो मिल्क मिलता है शायद उसके किसी में काम आएगी। बाकी यहाँ पर मैं फार्मिंग के लिए ये देखो टोमेटो सीड्स, स्ट्रॉबेरी सीड्स, पम्पकिन सीड्स, बहुत सारी चीजें आ गई है भाई गेम में, इन सबका यूज सीखना होगा। कंपोस्टर भी है यहाँ पर, एग्रीकल्चर मेडिसिन, स्प्रिंकलर, भाई ये क्या क्या चीजें आ गई हैं, टूल्स भी इतने सारे आ गए भाई पूछो मत। एक ये बी स्मोकर भी है, शायद से मधुमक्खी के छत्ते ढूंढ के मैं शहद भी बना सकता हूँ, बट कैसे वो देखना होगा। फिलहाल जो बकरियां मैंने खरीदी थी 5, मैंने 4 खरीदी थी, क्या फ्री मिली है या फिर मैंने गलती से खरीद ली, बट ठीक है यार जो भी है, चलो मेरे साथ आओ, इनको भी खींच के लेकर चलना है, ट्रक में बैठाना है। और ट्रक में अपना एग वाली पूरी की पूरी बकेट भी है, तो उस बकेट को भी यहाँ पर बेच कर देखते हैं कि उसके बदले में कितने एग मिलने वाले। मैंने 6 गोट खरीद दी क्या, पता है नहीं यार। फिलहाल एक सेकेंड, टू लोड लार्ज एनिमल्स, अनलोड द व्हीकल फर्स्ट, ले भाई यही तो है, चल अंदर।
एक बकरी गई, दूसरी अपने आप आ गई। यार मैंने 6 बकरियां नहीं खरीदी यार, बट ठीक है अभी आ गई हैं तो इन्हें रखवाई देता हूँ अंदर। चल भाई 3 बकरियों को मैंने यहाँ पर ट्रक में लोड करवा दिया है, बाकी 2 ये रही। चल भाई तू भी अंदर, 4 हो गई, इधर 2 और होनी चाहिए। कहाँ पर है भाई? तुम दोनों को मैंने कब खरीदा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बट ठीक है अगर अब आ गए हो तो ले चलूंगा। फिलहाल अभी एक बार में 4 जाएंगी तो 4 बैठ चुकी है, मैं बाद में आऊंगा। फिलहाल अंडे मैंने खरीदे थे, अंडे मैं लेकर आया हूँ, उनको बेच के देखते हैं कि 40x के बदले मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जितने पैसों का मैंने थोड़ा सा ज्यादा, मेरे को $1500 मिल गए हैं। वेट, बकरियां तो नहीं बिक गई? एक सेकेंड, अभी भाई बकरियों को भी मैंने सेल एरिया में खड़ा कर रखा था। ओ भाई स्कैम हो गया यार, वो भी बिक गई। वही मैं कहूँ 40 अंडे के $1500 ज्यादा हो गए हैं। ठीक है कोई बात नहीं, इतना तगड़ा स्कैम भाई, पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, गोट दोबारा से परचेस करते हैं। इस बारी अलग अलग कलर की परचेस कर लेता हूँ, एक ब्राउन और एक व्हाइट। तो मैंने दोनों मेल फीमेल के ब्राउन व्हाइट जो वेरियंट्स है वो खरीद लिए हैं। और कहाँ पर हो भाई? एक सेकंड। अच्छा सॉरी, अभी सिर्फ कार्ट में ऐड करा भाई, पेमेंट ही नहीं करी भाई। क्या यार क्या कर रहा हूँ मैं। तो $1700 की हैं चारों, इन्हें परचेस कर लेते हैं। डन गाइस, तो चारों को मैंने परचेस कर लिया। भाई जल्दी जल्दी आ जाओ यार, इस ट्रक में बैठो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एक को मैंने कर दिया है अंदर, दूसरी को भी भेज दिया, तू चल भाई। ये व्हाइट वाली गोट ना फोटो में ही ठीक लग रही थी, और अभी ठीक खरीदने के बाद तो बहुत ज्यादा गंदी दिख रही है। चलो तो चारों को मैंने अंदर बैठा दिया है, एक काम करता हूँ इसको भी रखवा देता हूँ, इसको बंद करते हैं और अभी जल्दी से चलते हैं हम लोग वापस से घर पे। लेट्स गो गाइस। तो ट्रक लेकर मैं वापस से पहुंच चुका हूँ अपने इस फार्म पे, और अभी मेरे को ना इन चारों बकरियों को ऐसे बाहर उतारना है कि अपना कोई भी अंदर का एनिमल बाहर ना आ जाए। बाकी हॉर्स जिस हिसाब से भाग कर आ रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है बाहर आने की थोड़ी बहुत सोच में। काम करता हूँ, वेट, पहले मैं वाला ना दरवाजा बंद कर आ जाता हूँ। आधे एनिमल का तो ऐसे ही डर खत्म है बाहर आने का। चलो अभी कोई बाहर नहीं आने वाला, बस आराम से वाला फेंस गेट ओपन। अरे गेट का, अच्छा ये वाला, सॉरी, फेंस गेट ओपन करते हैं। एक एक करके बकरियों को उतार कर मुझे अंदर करके आना है। कांग, अरे चल, भग के आ जा। इधर से घूम के आ भाई, इनको लकड़ियों पे चढ़ना भी नहीं आता। अरे बहुत ज्यादा बेवकूफ बकरियां हैं ये। चल इधर। चलो तो दूसरी वाली बकरी को भी मैंने उतारा है। ओ भाई, क्या हो गया? इधर से ताऊ, इधर आ। चलो यार, 2 बकरियों को अंदर कर लिया है, बाकी एक एक करके उतारने में सही रहता है, इससे क्या एक एटलीस्ट एक जगह पर होल्ड रहती है। चलो गाइस 3 बकरियां अंदर आ चुकी हैं, अब एक लास्ट बची है, उसको भी लेकर आना है। ये घोड़े को देखो भाई, दरवाजा खुलते ही ऐसे भाग के आता है और बंद होती फिर एक्टिंग करता है कि जैसे आ ही नहीं रहा था। इसको बॉलीवुड में भेजेंगे भाई, एक्टिंग की जरूरत है वहां पे। फिलहाल अभी तू भी अंदर आ जल्दी से। तो 4 बकरियां अंदर आ गई है, अपना काम सॉर्टेड है, अब बस मुझे ये फिर हरकत कर रहे हैं। देखना जैसे दरवाजा खोलूंगा देखना कैसे भाग के आएगा। ओ इधर ये बकरी कैसे बाहर आ रही है भाई, पिटेगी तू। बाकी चलो ठीक है, अभी अपना ट्रक रेडी है, अब चलते हैं कुछ गांव को लेने के लिए। और ओए वो देखो वहां पर हार्ट आने लग गए, एक छोटी बकरी आएगी गाइस अभी। एक सेकंड यार, एक काम मुझे करना है, दरवाजा खोल देता हूँ मैं वहां पर चल के। इससे क्या है कि इन्हें अगर कुछ खाना पीना होगा तो यहाँ पर इन्हें मिलते रहेगा। और बाकी तुम भाई सुअर भाई सुन लो, बकरी आई है, मार मत देना उनको। पता चला भाई ये अलग ही भुक्कड़ होते हैं, कुछ भी खाते हैं। पता चला बकरियां खा रहे हैं आराम से। खैर ठीक है यार, अभी फटाफट से ट्रक को लेकर चलते हैं काव को लेने के लिए। 3-4 टाइप की जो भी नई नई काव थी उनको लेकर आते हैं। और इस टाइम पर अपने पास सारे एनिमल हो चुके हैं, अपने पास गांव है, गोट है, हॉर्स है, चिकन है, कॉक है, हेन है, सब कुछ है। लेट्स गो गाइस। तो दोबारा से पहुंच चुके हैं जनरल स्टोर पे, 5:30 बज चुके हैं भाई, बट ठीक है यार सनलाइट काफी अच्छी खासी है, क्योंकि भाई मेरे को ना इस गेम में एक ही चीज का डर है वो है अंधेरे का। तो अंधेरा होने से पहले सारा काम निपटा देते हैं। मुझे अभी खरीदनी थी ये वाली काव, मेरे पास ऑलरेडी है डेरी बुल, बीफ काव और ये बीफ बुल। तो ये 3 नए एनिमल्स है जो कि परचेस मेरे को कर रहे हैं। बाकी यार एक डेयरी काउ भी परचेस कर लेते, 2 हो जाएगी ठीक रहेगा। चेकआउट, चारों मैंने परचेस कर लिए, और फटाफट से इनको शायद मैं चारों को एक बार में लोड करवा सकता हूँ ट्रक में या फिर नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये शायद थोड़े बड़े एनिमल है। ये आते हैं नहीं आते ये नहीं पता। बाकी 2 लोड लार्ज एनिमल्स, ओ इसको पहले नीचे रखता हूँ। चल भाई अब अंदर, एक आ गई। हाँ ये नहीं आएगी भाई, वेट। तो ये वाली जो दूसरी वाली बुल है इसको भी यहाँ पर रखवाते हैं, और बाकी इसको मुझे मारना पड़ेगा शायद से, ये बीफ काउ है भाई इसकी, लेकिन मसल्स अलग ही दिख रहे। अरे ओ भाई ओ ट्रक क्या चढ़ा रहा है, एनिमल अब्यूजर। आराम से इसको भी यार, ओ आ गई, नाइस, मैं चारों को लेकर जा सकता हूँ। उसको देखो भाई वहां क्या अंडे छील रहा है कोई, इधर चल। चलो गाइस सारे के सारे एनिमल्स आ चुके हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है, बस एक बारी मेरे को ना ध्यान रखना है इसमें फ्यूल तो है ना सही से अपने ट्रक में। पता चला ये बीच रास्ते में भाई नहीं है, मैं बोल ही रहा था और फ्यूल सच में नहीं है। तो एक काम करते हैं पहले चल लेते हैं, सीधा ही जाना है यहाँ से, वहां पर फ्यूल स्टेशन है, पूरा फ्यूल भरवा लेंगे। वैसे तो जितना फ्यूल है इतने में गाड़ी अपने रेंच तक पहुंच जाएगी, बट यार रिस्क नहीं लेना, पता लगा बीच रास्ते में बंद पड़ जाए। लेट्स गो। तो ये मैं, अरे भाई आराम से। हाँ तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं फ्यूल स्टेशन पे, ट्रक को सही से लगाता हूँ। भाई साहब एक ट्रक सामने से आ रहा था, या तो वो उड़ता या मैं उड़ जाता। बाकी ठीक है, यहाँ से पाइप उड़ाता हूँ, इसको मुझे लगाना है। ट्रक में कहाँ से फ्यूल भरता था? शायद से इसमें ट्रक की इस वाली साइड पे डलेगा फ्यूल पाइप। दोबारा से मैं पिक करता हूँ, और
अरे अच्छा 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 यहाँ पर आ रहा है, तो फटाफट से इसे इंसर्ट करते हैं और फ्यूल भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर बिल बन रहा है भाई साहब, $16, $20। अरे भाई बहुत बड़ा टैंक है यार, ट्रक का पता नहीं कितना फ्यूल डलने वाला है एक बार में। भाई वेट यार, मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा ही फ्यूल डल गया, लीक तो नहीं हो रहा? ओ हो गया होगा, आवाज बंद हो गई। यस $65 का, चलो फुल टैंक हो गया, ठीक है बढ़िया रहेगा। अभी हमें दोबारा जल्दी नहीं आना पड़ेगा भरवाने के लिए। फिलहाल अभी जल्दी से चलता हूँ अपने रेंच पे, बस मुझे यहाँ से स्ट्रेट जाकर राइट लेना है और हम लोग पहुंच जाएंगे। ऑलराइट भाई साहब रुक जाओ आराम से, पहले मेरे को राइट लेने दो। बढ़िया लेट्स गो। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फार्म पे, फटाफट से खड़े करते। अरे भाई साहब कितने सारे पिग्स बाहर आ गए भाई। वेट, ये सब क्या चल रहा है? मतलब इस फेंस से बाहर नहीं निकले बट फिर भी यार बार्न हाउस से बाहर निकल गए। चलो ठीक है यार, उनको भी काफी टाइम बाद थोड़ी आजादी वाली फील आई होगी बेचारे उस छोटे से, छोटा तो नहीं बड़ा बार्न हाउस था, बट उस बार्न हाउस के हिसाब से उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स भरे पड़े थे। एक काम करता हूँ, मैं इनको ना गोली चला के डराता हूँ, शायद से सारे के सारे अंदर। अबे तुम्हें डर नहीं लगता? ये ले भाई एक सेकेंड, किसी एक को मारू क्या? शायद तब डरेंगे। लिए एक सेकंड रुक जाओ, गन रीलोड करने दो। हाँ भाई अगर मैं इसको मार दूं तो ये देखो सारे के सारे डर के अंदर भाग जाते हैं। ठीक है भाई, मेरे को समझ आ गया तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है। बेचारी बलि चढ़ानी पड़ती है किसी ना किसी की, तब ये लोग भागते हैं। बाकी ठीक है, अभी मेरे को ना एक एक करके काओ को उतारना है और लेकर चलना है अपने फार्म। अरे भाग कहां रही है, इधर आओ। तो अभी सब बंदर भाग चुके हैं भाई, घोड़ा सब कुछ। तो अभी ये वाली काओ आ चुके हैं भाई, अंधेरा हो गया भाई, जल्दी जल्दी बात कर लो भैया आराम से और भागो अंदर। ओए ये बकरी पिटी, इधर आ इधर आ इधर आ इधर। अरे कहाँ भाग रही है भाई जंगल में, भैंस की टांग किससे पूछ के आई है यहाँ तक? चल अंदर, इसको एकदम सीक्रेट रास्ते से अंदर लेकर आऊं भाई, यहाँ से किसी को पता नहीं है रास्ता। आ जा 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 जा, चल बैठ अंदर, दरवाजा करो बंद, यहीं रुक तू। भाई एकदम ही अंधेरा हो चुका भाई, मेरे को भी तीन काओं को और अनलोड कराना है इस अंधेरे में। तो पहले ना मैं काओं को उतारता हूँ आराम से और सीधा यहाँ पर लाके गेट के पास, पहले से लेकर आऊंगा गेट के पास और दरवाजा खोल के सीधा ऐसे करूंगा अंदर और तुरंत दरवाजा बंद। बढ़िया, तो मुझे इस तरीके से लाना है, दरवाजा ऐसे खोल के नहीं रखना भाई। सही में यार एनिमल्स को कंट्रोल करना रियल में भी काफी हार्ड होता होगा। चलो तो ये वाली काओं को भी लेकर चलते हैं अंदर फटाफट से और इसको करते हैं बंद, डिटैच। आखिरकार हो ही गया भाई एकदम खतरनाक वाला अंधेरा। बाकी अभी एक बुल बची है भाई, इसके सिंह तो बहुत खतरनाक है, मेरे को ही ना मार दे। चल 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 फटाफट से अंदर आ जा, ये करा ओपन। भाग क्या भाग क्या भाग क्या भाग क्या। अरे चलो भाई सारी की सारी काओ अभी अंदर आ। अरे ये तो अंदर आके भी बाहर चली गई, तेरी ऐसी की तैसी। अंदर आ चुपचाप, चल भाई ये क्यों अटक रही है यार। एक अब रुक जाओ, अभी ये मरा, तेरे को भैया मरना होगा, ये लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, निकल तू चल। अरे वो भागी होगी भागी होगी, वेट 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 वेट, वो बहुत दूर भाग जाएगी। ओ भाई स्कैम हो गया, अंधेरे में अपनी एक गाय भाग के चली गई, मैंने गोली चलाई तो वो भी डर गई और वो उसका भी अता पता नहीं हो कहाँ गई है। और इतने अंधेरे में भी कुछ दिखने भी नहीं वाला, या तो मैं अभी जल्दी से आके सो जाऊं ताकि फटाफट से दिन हो और उसको मैं नेक्स्ट डे ढूंढ लूं। ये कौन मर गया, ये बकरी कैसे मर गई? एक सेकंड यार, इसको तो मैं तमीज में लाया था, कोई नॉर्मल जानवर मार गया, बट ये बाहर कैसे आई मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा। खैर ठीक है यार, अभी अपनी एक गाय भाग गई है यार, ये तो हिरन है भाई, इसको भी ले चलो क्या? चलेगा ये नहीं यार, इससे कोई फायदा भी नहीं है ना, खाली पीली जगह अलग घेरेगा। बाकी यार मैं सोच रहा था कि हर टाइप के एनिमल्स ले आऊंगा, वैसे मैं लेकर तो आ गया बट उससे फार्म के अंदर नहीं कर पाया। और एक गोट थी वो भी पता नहीं भाई कैसे मर गई, मैंने सबको अंदर करा था, कहीं से वो निकल के तो गई है, कोई ना कोई जगह टूटी या फिर मेरा कभी ध्यान हटा है, वो भाग गई। वैसे यार ये टाइम अच्छा था, इस टाइम पर ना सारे एनिमल्स सो जाते हैं, तो मुझे उसे अब लेकर, एक काम करता हूँ जल्दी से चल के सोता हूँ मैं भी। वैसे एक चीज याद है, इस टाइम पर अगर सारे एनिमल्स सो जाते हैं तो वो वाली गोट भी सो रही थी या नहीं? एक सेकंड, वो ये नहीं नहीं ये तो मरी हुई थी, नहीं नहीं इस पे हेल्थ नहीं आ रही थी, इस पे सीधा स्किन हटाने का आया था। तो मैंने किसी को नहीं मारा भाई, बस इस अंधेरे में वो जो नई वाली काओ है, वो जो बुल है, वो खो चुकी है भाई। अब वो नेक्स्ट डे दिख जाए आसपास तो ठीक है, अगर वो भाग जाएगी तो वो कहीं ना कहीं जाके मर जाएगी, क्योंकि उसे खाना नहीं मिलेगा और उसके ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी। बाकी ठीक है यार, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सोने जाने के अलावा। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आज के इस वीडियो में उज्जवल भाई दोबारा से खेल रहा है रेंस मोलेटर। इस गेम का कहानी तो आप लोगों को पता ही है कि इस गेम में क्या क्या करना होता है। ओके तो गेम स्टार्ट हो चुका है और उज्जवल भाई जग चुका है अपने घर पे। उज्जवल भाई सुबह सुबह उठ के रेंज पे आ जाता है और रेंज पे आके देखा तो हैन हाउस का दरवाजा ओपन रह गया था, सारी मुर्गियां बाहर निकला हुआ है। तो पहले इनको हैन हाउस पर डाल देते हैं, कुछ मुर्गियां समझदार है सीधा हैन हाउस पर घुस गई, लेकिन कुछ मुर्गियां इतना हरामी है कि साला एक बार क्या बाहर निकल गई वापस घुसने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उज्जवल भाई इनको सबक सिखाने के लिए जो जो मुर्गियां बाहर निकला हुआ है वो सब उज्जवल भाई पिस्तौल निकाल के मारने लग जाता है। दो तीन मुर्गी को तो उज्जवल भाई ने निपटा ही दिया था, पर जो जो मुर्गियां हैन हाउस के अंदर घुस गए थे वो सब भी पिस्तौल चलाने की आवाज से डर के मारे भाग गई। कुछ देर बाद वो सब वापस हैन हाउस पर आ जाता है क्योंकि दाना यहीं पर मिलता है। इसके बाद उज्जवल भाई बर्न हाउस पे आ जाता है और यहाँ पर हमने पिक पाल रखी है। ओ भाई इतना बड़ा बड़ा हो चुका है हमारा पिक। यहाँ पर हमने एक काऊ भी रखी थी, वो कहा गया ये रहा। तो हमने पिक्स के खाना वगैरह देखा, खाना तो है पानी भी है। खाना देखने के बाद उज्जवल भाई बर्न हाउस से बाहर आ जाता है और उज्जवल भाई का प्लान ये है कि पिक्स को रखने के लिए नया रेंच बनाना। रेंच बनाने के लिए हमें चाहिए पैसा, तो हमें पैसा कमाने के लिए कुछ मिर्च बेचने होंगे। तो जो जो पिक्स बड़े हो चुके हैं वो सब
मार देते हैं। जो जो बड़े बड़े पिग्स थे वो सब तो हमने मार दिया है, अभी इन्हें मिर्च में कन्वर्ट करते हैं और डब्बे में भर के बेचने के लिए लेके जाते हैं। ओके, हमने मिर्च को बॉक्स में भरना शुरू कर दिया है। कुछ देर तक कलेक्ट करने के बाद हमारे पास इतना सारा बॉक्स हो चुका है मिर्च से भरे हुए। हालत खराब हो चुका है भाई इन मिर्च को कलेक्ट करते करते, तो इनसे बॉक्स को गाड़ी में लोड कर लेते हैं। कुछ देर तक एक एक करके लोड करने के बाद भी हमने सभी बॉक्स को गाड़ी में लोड नहीं कर पाया। इन सब बॉक्स को गाड़ी में लोड करते करते रात हो चुका है, तो अभी घर जाके सो जाते हैं, कल सुबह आराम से करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट डे हो चुका है और हम गाड़ी लेके निकल चुका है बेस्ट बर्गर रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि ये सब मीट वहीं पर बिकने वाला है। ओके, तो एक घंटे बाद हम पहुंच चुका है बेस्ट बर्गर रेस्टोरेंट पे। बॉक्स को अनलोड कर लेते हैं पहले। डन, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें कितना पैसा मिलने वाला है। ओके, तो हमें $10,000 मिल चुका है मीट बेचने का। खैर, जितना भी हमारा बॉक्सेस था वो सब तो खाली हो चुका है, तो इसे वापस से ट्रेलर पर लोड कर लेते हैं और चलते हैं वापस घर। घर जाने से पहले उज्जवल भाई हॉर्स ऑक्शन पे चला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे हॉर्सेस आ रखी है। उज्जवल भाई सभी हॉर्स को देख लेता है और लास्ट में उज्जवल भाई को ये वाला हॉर्स पसंद आ जाता है और उज्जवल भाई बीट लगाना शुरू कर देता है। बीट $6,000 से शुरू हुआ था। उज्जवल भाई बीट लगाता जाता है और अंत में $8,000 में फाइनली हॉर्स उज्जवल भाई के हाथ में आ चुका है और उज्जवल भाई वापस अपना रेंज पे आ जाता है और रेंज पे आके उज्जवल भाई हॉर्स को बर्न हाउस पे पिक्स के साथ रख देता है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देख चुका है। अगर आपको ये वाला गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप भी मेरी तरह उज्जवल भाई के तगड़ा वाला फैन हो तो हमारे साथ इस चैनल में जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए।